नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पपला गुर्जर एक बार फिर जेल छोड़कर भाग गया है। आइए हम खबर की पुष्टि करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज द सुगम को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर टच कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पपला गुर्जर एक बार फिर जेल छोड़कर भाग चुका है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको बता दें कि पपला रिमांड पर है, पपला ने कई राज भी खोले हैं। आइए हम राज की जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पपला अभी तक कोई जेल छोड़कर नहीं भागा है, वो पुलिस की रिमांड पर चल रहा है। गैंगस्टर पपला ने अपनी प्रेमिका को अपना नाम मान सिंह बता रखा था। प्रेमिका के परिवार से कहा था कि वो राजस्थान की रॉयल फैमिली से संबंध रखता है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हरियाणा के 5 लाख के इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर से ज्यादा चर्चा उसकी प्रेमिका की हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने वाली उसकी प्रेमिका सबनम, बदला हुआ नाम है, जिम चलाती थी और उसी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए पपला गुर्जर जाया करता था। पपला पहले दूसरी मराठी लड़की से प्यार में था, मगर इस नई प्रेमिका से मिलने के बाद उसने पुरानी प्रेमिका को छोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें कि सबनम आयुर्वेद में दूसरे वर्ष की छात्रा है और पहले पति से अभी तलाक हुआ है। पपला के प्यार में ऐसे बढ़ी कि उसे कुछ दिन पहले अपने डॉक्टर पिता से मिलवाने लाई थी और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली थी। पपला शादी करके कोल्हापुर में रहना चाहता था। उसने सबनम के परिवार को अपना नाम मान सिंह बता रखा था। दोस्तों आपको बता दें कि सबनम के परिवार से उसने कहा था कि वो राजस्थान की रॉयल फैमिली से संबंध रखता है। हालांकि उसने आधार कार्ड उदल सिंह के नाम बना रखा था, जिसका पता सबनम के घर वालों को सभी को था। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही पपला गिरफ्तार हुआ तो सबनम पुलिस से बार बार पूछ रही थी कि कौन है यह, और जब एयरपोर्ट पर पहली बार पपला से आमना सामना हुआ तो उसने पपला से पूछा, कौन हो तुम? पपला ने जवाब में कहा था कि मैं विक्रम गुर्जर और पपला हूँ। जब से सबनम को पपला की ससाई का पता लगा है, तब से ही सबनम गुमसुम रहने लगी है और जब भी पुलिस उससे कुछ पूछताछ करती है तो वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। पपला की गिरफ्तारी के बाद उसे शिनाख्त परेड के लिए 2 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है और सबनम को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर रख लिया गया है। सबनम से उसके सभी ठिकानों और कारोबार के बारे में पूछा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन 31 लाख रुपयों को लेकर वो फरार हुआ था और इसके अलावा उसके पास पहले से ही बहुत सारे पैसे थे, उन्हीं पैसों को वो कोल्हापुर की लड़कियों पर खर्च करता था। पपला की फरारी के दौरान राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल भी उसको चूसना पहुंचाते थे। इसी आरोप में नीम राणा के एक कांस्टेबल सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पपला के फ्लैट से जो भी कागज मिले हैं उसके आधार पर ये पता लगाया जा रहा है कि हरियाणा और राजस्थान में कौन कौन इसकी मदद कर रहा है। दोस्तों ये थी लेटेस्ट खबर और ऐसी ही सिर्फ तमाम काम की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही द सुगम को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर टच कर लें। फिर से अपडेट होते हैं नई खबरों के साथ।